हेलो एवरीवन, तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन के कुछ छुपे हुए फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं, देखेंगे कि क्या कुछ छुपा रहे हैं वो आपसे, क्या कुछ छुपाते हैं वो आपसे, क्या कुछ उनकी छुपी हुई एनर्जी है, क्या कुछ उनकी छुपी हुई फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि क्या कुछ छुपाते हैं वो आपसे, अपने दिल की बात। तो ये हमारा टॉपिक है और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। स्क्रीन पे आपको नंबर ना दिखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा एक बार, उसमें आपको ज़रूर नंबर मिलेगा, उसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, गाइड करें। ओके, ठीक है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। गाइड करें। ओके, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या बात है। क्या बात है, चलिए इतने कार्ड्स रहने देते हैं अब। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, तीन कार्ड आपके लिए निकालूंगी मैं, आपकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है, है ना। देखते हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। वाओ, आप तो इनसे एकदम से, क्या कहा जाए आपके प्यार को। गाना है ना वो, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, वही है कि बहुत प्यार करते हो आप अपने पर्सन से, बहुत इमोशंस हैं आपके अंदर, आपके पर्सन आपको ऐसे लगते हैं जैसे कि इसके जैसा इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, ये वन पीस है और ये वन पीस मुझे मिला है। फीलिंग्स ऐसी हैं आपकी कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये पर्सन आपके सोलमेट ही हैं, आपको लगभग मतलब कंफर्म है कि आपके ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, क्योंकि आपको इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। जिस तरीके से ये पर्सन आपके गुस्से को कंट्रोल करते हैं, जिस तरीके से आपको ये हील करते हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा आप लकी इंसान हो आपको लगता है। ठीक है, बहुत प्यार करते हो आप इनसे, मतलब आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, है ना, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सोचो कितना प्यार करते हो आप इनसे। ओके, पेज ऑफ वांड्स, द सन का कार्ड एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आपकी फीलिंग्स काफ़ी मुझे दिख रही हैं। देखो, फीलिंग्स तो अच्छी हैं, बट कहते हैं ना कि कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिलेशनशिप में, कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि मतलब समझ में नहीं आता इंसान को कि वो क्या करे। ठीक है, वो क्या करे। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप मतलब तकलीफ़ में जाते हुए दिख रहे हो, दर्द में जाते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हेल्पलेस हो गए हो, होपलेस हो गए हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपका दिल ना तोड़े, आप कहना चाहते हो इनसे कि मेरा दिल मत तोड़ो, मेरा दिल मत तोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर अकेली हो जाऊंगी, अकेला हो जाऊंगा, मैं
कुछ हैंडल नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे बगैर। आप अभी जो है इस तरीके से फील कर रहे हो जैसे कि मतलब होता है ना कि आपकी फीलिंग्स ऐसी है जो कि आप नहीं बता सकते हो अपने पर्सन से कि आप क्या फील कर रहे हो। आप एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक बहुत बहुत बोलना चाहते हो आप इनको, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके हिडन फीलिंग्स काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप अपने पर्सन को जो है ना मतलब चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा चाहते हो और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कुछ ज़्यादा बताना चाहते हो आप इनको। आप बताना चाहते हो कि आप ही मेरी लाइफ में जो है वो एक कहता है ना कि हेवन है ना, हेवन सा फील होता है आपको इस पर्सन के साथ। तो आप इनको बोलना चाहते हो कि तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तुम्हारे साथ मेरी सांसें जुड़ी हुई हैं, तुमसे मैं अलग नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीज़न होगा जब मैं तुमसे मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुमसे कभी अलग होऊंगा। नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, मुझसे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं तुमसे दूर हूँ, कभी भी तुमसे दूर हूँ, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। तो ये आपकी हिडन फीलिंग्स है अपने पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स को देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, टू ऑफ कप्स, हर्मिट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स एंड है द हैंगमैन। चलो इनके हिडन फीलिंग्स की बात करते हैं। ये पर्सन की हिडन फीलिंग्स हैं कि आपने इनकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छा खूबसूरत सा एकदम से। इनकी लाइफ के पहले बहुत ज़्यादा ख़राब दिन चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन आपने आ करके इनकी लाइफ में वो उजाला उनकी लाइफ में लेकर के आए हो। आप इनकी लाइफ में वो कहते हैं ना कि क्रिएट करना है ना, तो आपने बहुत कुछ क्रिएट किया है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन जो है ना आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, आप इनकी लाइफ में आए, एक दोस्त ही बनकर के आए, लेकिन इस तरीके से आपकी इनके लाइफ में एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट है कि ये पर्सन कभी भी आपको भुला नहीं पाएंगे, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा लगता है ना जैसे कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा जो भी कनेक्शन है, एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है, ठीक है। इनको पता नहीं है कि वो कनेक्शन क्या है क्या नहीं है, बट यस, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फील होता है आपके लिए। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन की हिडन फीलिंग्स हैं कि ये पर्सन बता नहीं पाते हैं आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, किसी के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। थर्ड पार्टी से इनका रिलेशन है भी तो एज अ फ्रेंड है, ना कि कुछ और है ना। ये पर्सन को थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे थोड़ा सा ये भी कहना चाह रहे हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स ये भी हैं। ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आने से पहले खुद को थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेट करने की इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ये पर्सन हर वक्त हर लम्हा आपके बारे में सोचते रहते हैं। इन्होंने अभी आपको कभी नहीं बताया हो कि यार मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, नहीं। ये पर्सन को थोड़ा सा अकेलेपन में वक्त चाहिए अपना, इसलिए ये पर्सन अकेलेपन में अपना वक्त गुजारते हैं। ये पर्सन ये भी कहीं ना कहीं इनके माइंड में चलता हुआ दिख रहा है कि क्या आप इनसे प्यार करते हो, रियली में प्यार, क्या ये आपका जो प्यार है वो सच में इनके लिए है, ट्रूली लव है। मतलब एक होता ना कि यार इतनी अच्छी बंदी या बंदा मुझसे प्यार कर सकता है, मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना एक आश्चर्यजनक है। ये पर्सन कहना चाहते हैं, ये पर्सन की अंदर की फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन
ये भी जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये तन्हा फील कर रहे हैं, जिस तरीके से अकेला फील कर रहे हैं, क्या उस तरीके से आप भी तन्हाई में जीते हो, अकेलेपन में जीते हो इनके साथ? ये पर्सन काफी मुश्किलों से पार करते हुए आपके पास आना चाहते हैं, काफी मुश्किलें हैं इनकी लाइफ में। ये पर्सन ये भी इनकी हिडन फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि ये भी चाहते हैं कि आप इनको प्रेशराइज मत करो, प्रेशर मत दो। ये जो करेंगे ना अपने मन से करेंगे, ये जो भी करेंगे अपने मन से करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा उनके ऊपर हावी होते हो कि मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, मैं बिना कमिटमेंट के तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुमसे बात नहीं करूँगी। मत करो ऐसा, ये पर्सन चाहते हैं ऐसा हावी नहीं हो, सब करेंगे लेकिन एक टाइम पीरियड पे ये पर्सन करेंगे। ये पर्सन आपके लिए जो एक होता है ना कि ये आपको मान के बैठ चुके हैं कि आप जो है ना इनके हो, अगर आप इनसे प्यार करते हो तो ये पर्सन आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। किसी के कहने के ऊपर, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। ये पर्सन आपके लिए सपने देखते हैं, ठीक है, और आपके सपनों को पूरा करने की चाहत भी रखते हैं। ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है जो आपके सपनों को पूरा करना चाहता है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे। ये पर्सन आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। ये पर्सन का है ना कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप इनको कमिटमेंट दे दो, बस बात खत्म। इनको भरोसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप बनाएंगे। ये पर्सन आपके साथ जो होता है ना कि ये पर्सन की एनर्जी बता रही है, जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो, बिल्कुल इनके जैसे परफेक्ट। जैसे ये पर्सन अपने आप को परफेक्ट मानते हैं ना, वैसे ही आप इनके लिए परफेक्ट हो। इनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा गहरी है आपके लिए। ये पर्सन ने नहीं बताया होगा, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स काफी ज्यादा डीप लेवल की है। ये पर्सन को बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आपने इनके साथ जो है ना रिलेशनशिप बनाया, या आपने इनको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट किया, लेकिन बहुत ज्यादा इनको एक जो होता है ना कि बहुत अच्छे तरीके से इनको देखा, जाना, समझा, सोचा, और तब आपने इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया। तो ये पर्सन अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। ये पर्सन डे ड्रीमिंग भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन डे ड्रीमिंग भी करते हुए आपके लिए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्लियर है, डे ड्रीमिंग करते हैं ये पर्सन। ये पर्सन अपने फ्रेंड से भी बातें करते रहते हैं आपके बारे में। ये इन्होंने ये भी नहीं बताया होगा ना आपको कि ये पर्सन आपके अपने फ्रेंड से बातें करते रहते हैं कि मेरा पर्सन तो ये है, मेरा पर्सन तो वो है, ऐसा है, वैसा है, मैं उसके साथ ऐसे रहता हूँ, वैसे रहता हूँ। इस पर्सन ने आपको नहीं बताया ना, ये बातें करते हैं आपके बारे में, आपको नहीं पता है, बट ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं, या कहें तो इनकी हिडन फीलिंग्स जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं कि आप इनको कभी भूल नहीं पाओगे, कभी भी भूल नहीं पाओगे। और स्पेशली वो चीज़ें जो आप दोनों के बीच में बातें हुई हैं, वो बातें, स्पेशल बातें, पिक्स वगैरह, स्पेशल मोमेंट, वो कभी भूल नहीं पाओगे आप, कभी भी नहीं। इनको ये भी कहना है कि देखो मैं ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, ना तुम मेरे बगैर, तो चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ चल लेते हैं। ये पर्सन कहीं भी मार्केट भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं फंक्शन में, तो ये पर्सन हमेशा मतलब आपको इनकी नज़रें तलाशती रहती हैं कि कहीं दिख जाओ, कहीं मिल जाओ, कहीं मतलब आपका दर्शन हो जाए। मुझे ये दिख रहा है कि ये जो है ना, ये पर्सन मतलब आपको अपने जो थॉट्स हैं,
जो ये फील कर रहे हैं अभी अभी, ये जो इनके हिडन फीलिंग्स हैं वो आपको बताने के बारे में फील करते हुए दिख रहे हैं। इनको लगता है कि आप दोनों दो शरीर मतलब हो, लेकिन एक ही का हिस्सा हो, जैसे कि शिव एंड पार्वती, है ना, दो शरीर थे लेकिन एक थे, तो वैसे ही आप दोनों भी एक हो, लेकिन क्या है, अलग अलग हो, तो उससे कोई ये नहीं है। ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, ये पर्सन स्टक हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, वो जो आप धीरे से आई लव यू बोलते हो ना, धीरे से प्यार से फुसफुसा के आई लव यू, वो बहुत पसंद है इनको, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये उस शब्द को बार 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 सुनना चाहते हैं, बार बार। आपके लिए जो इनके दिल में फीलिंग्स है ना, सच में बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स हैं इनकी। मैं आपसे क्या क्या बताऊँ। सो मुझे तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे बातें करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं आपके साथ। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।